थाईलैंड जो कि फेमस है नाइट लाइफ के लिए, पार्टीज के लिए, शॉपिंग के लिए, डिफरेंट कल्चर के लिए। और टाइप ऑफ फूड वैरायटीज के लिए, कुछ अनोखी एक्टिविटीज के लिए, और उनका संकर्ण फेस्टिवल भी मनाएंगे जो कि इंडिया के होली टाइप होता है, जिसमें आप केवल ठंडा पानी डाल सकते हैं विदाउट एनी कलर। और हाँ, अगर कलर का मूड है, फेस्टिवल का रीजन और मनाने का तरीका बहुत एक्साइटमेंट भरा है, रीजंस बाद में बताऊंगा। और हाँ, मेरे जैसे बैकपैकर्स के लिए, तो इस सीरीज में खूब खाएंगे, पिएंगे, पार्टीज करेंगे, होटल में रुकेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो इंजॉय करते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, फालतू का नुकसान हो गया दोनों टिकटों का। बाकी नो RT-PCR, नो थाई पास, नो कुछ भी। वेलकम टू द कंट्री नंबर 3। सी द बिजनेस क्लास। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जहाँ से मेरी इंडिगो की फ्लाइट है। सेल्फ चेक इन फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर्स ओनली। और ये देख सकते हो आप लोग एयरपोर्ट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है एंट्री के लिए, बहुत ज़्यादा। डिजी यात्रा ऐप भी काम नहीं कर रहा, वो केवल डोमेस्टिक के लिए है। इंटरनेशनल के लिए आपको मेन गेट से ही एंट्री लेनी पड़ेगी, अदरवाइज डिजी यात्रा ऐप से आप डायरेक्ट VIP एंट्री ले सकते हो। तो फाइनली मेरी एंट्री हो चुकी है, गेट नंबर 567 का यूज़ करें, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अभी फटाफट मैं अपना काउंटर ढूंढता हूँ, काउंटर पे भीड़ देखिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एक फ्रेंड जिसको 5 दिन पहले मैंने बताया था कि मैं ट्रिप के लिए थाईलैंड जा रहा हूँ, तो उसने मुझे तुरंत देख के अपना पासपोर्ट बनवाया और मेरे साथ टिकट्स भी बनवा ली। तो आज अपन दोनों सुबह 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलने वाले थे, मैं 6 बजे स्टेशन तो पहुंच गया था, लेकिन 1 घंटा टैक्सी वाले ने ख़राब कर दिया। 7 बजे के करीब दूसरी टैक्सी लेके मैं 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, और 4 बजे उसको दिल्ली स्टेशन पहुंच जाना था, लेकिन भाई साहब की ट्रेन अभी तक नहीं पहुँची और वो अब मुझे जाने भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि हम दोनों साथ में चलेंगे। तो दोनों की ही टिकट मुझे लगता है ख़राब हो गई। तो 10 बजे इंडिगो की फ़्लाइट छोड़ के एयर इंडिया की फ़्लाइट हम आज 2 बजे लेने वाले हैं, तो थोड़ा लेट, लेकिन आपसे थाईलैंड में मिलेंगे ज़रूर। थाईलैंड का 1 बाट इंडिया के 2.5 रुपए के बराबर है। तो भाई ये है फ़्लाइट की जानकारी, जैसा कि पहले मेरी फ़्लाइट ये वाली थी इंडिगो की 10:20 पर, जो कि अभी छूट चुकी है, और अभी नई फ़्लाइट जो मैंने करवाई है वो ये करवाई है। हाँ, ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है 13:50 पे बैंकॉक के लिए, जिसका चेक इन ओपन हो चुका है, लेकिन अभी भी भाई साहब का पता नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, और हो सकता है ये भी फ़्लाइट छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये छूटी तो इसके बाद स्पाइस जेट की है शाम को, जो अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, सॉरी नाइट में है 8:00 पे, नहीं तो फिर उसमें देखेंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, यही है वो इंसान जिसके कारण फ़्लाइट दूसरी टिकट लेनी पड़ी, पहली फ़्लाइट मिस हो गई। तो साहिल कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? बहुत खराब। इधर आ। तो ये है इंटरनेशनल फ़्लाइट पे चेक इन की भीड़। दिल्ली ड्यूटी फ्री, 1 more time दिल्ली ड्यूटी फ्री में। ये सब मैं आपको क्या दिखाऊं, पिछले वीडियो में तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, इसीलिए इसको रहने देते हैं और डायरेक्ट आपसे फ़्लाइट में मिलता हूं। हां तो भाई, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट है 1:50 पे, 4 घंटे के बाद मैं बैंकॉक पहुंच जाऊंगा, और एयर एशिया के साथ अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस एक भी अच्छा नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई मुझे बोर्डिंग पास कलेक्ट करने में, हालाँकि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ था। और थाईलैंड जाने के लिए प्रेजेंट में मुझसे दोनों ने कुछ नहीं मांगा, RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस की भी शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पॉलिसी बाजार से 311 रुपये में मात्र ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था। तो अगर आप लोग भी चाहें तो पॉलिसी बाजार से 311 रुपये में ही ट्रैवल इंश्योरेंस थाईलैंड का ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया, तो प्रॉपर अभी
करेंट में प्रेजेंट में आज के लिए उन्होंने मुझसे रिटर्न फ्लाइट टिकट, 4 दिन का मेरा स्टे है तो 4 दिन की होटल बुकिंग उन्होंने मुझसे मांगी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, ना इंश्योरेंस, ना कोविड सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने मुझसे कुछ कहा, माफ़ कीजिएगा, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन 2 रोज लग चुके, बूस्टर डोज की नीड नहीं थी, थाई पास नहीं चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल है 2000 बात और एक्सप्रेस लाइन 2200 बात की है। तो चलिए देखते हैं कि 2000 बात वाला वीज़ा ले पाता हूँ या 2200 बात का वीज़ा मुझे लेना पड़ता है। हाँ, करेंसी उन्होंने मुझसे पूछी, मेरे पास केवल 7000 बात है, पर मैंने उनसे बोला कि मेरे पास 12000 बात है। तो चलिए आगे का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। फाइनली ये फ्लाइट की तरफ और ये खड़ी है फ्लाइट। सो बाय बाय इंडिया, आई एम कमिंग थाईलैंड, सी द बिजनेस क्लास और इसके पीछे हमारी इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास की केवल 12 सीट्स हैं यहाँ पर। अभी फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, बहुत अच्छा है इस फ्लाइट में। मैं अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करता, लेकिन बगल वाली सीट वाले ने कहा कि अपने पासपोर्ट में से आप मुझे अल्कोहल मंगवा के दीजिए, तो देखिए उन्होंने कितनी ड्रिंक की है। इस फ्लाइट में फूड कॉम्प्लीमेंट्री था तो फूड आ चुका है और थोड़ी देर में हमें फूड मिल जाएगा। तो ये लंच मील आ चुकी है और जैसा कि मैंने नॉनवेज सेलेक्ट किया था, देखता हूँ इसमें नॉनवेज क्या है। ये मदर्स डेरी की दही है, एक वाटर बॉटल मिली है और नॉनवेज के नाम पे मेरी रोटी है, आई थिंक राइस और भुना चिकन मैंने सुना था, खा के टेस्ट आपको बताता हूँ। तो भाई स्वागत है आपका स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा यहाँ पे और मैं वीज़ा फॉर्म अपने साथ लेके आया हूँ, इसीलिए हो सकता है मेरे 10-15 मिनट आधा घंटा बच जाए। अदरवाइज़ वीज़ा फॉर्म लेने के लिए रो में लगने के बाद वीज़ा फॉर्म भरने में 1.5 से 1 घंटा और ज़्यादा वेस्ट हो सकता है आपका। तो इसका प्रिंट आउट आप नेट से ही निकाल के आए। तो फ्लाइट से उतर के सीधे आपको इस तरफ आना है और अराइवल्स देखिए 220 मीटर दूर है। ये वीज़ा की लाइन और यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो मैं तुरंत अपनी फ़ोन जेब में रखता हूँ और नया अपडेट जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। अपन ट्रांसफ़र डेस्क 1 में गए थे, इंडिया वालों को डेस्क 2 में जाना है, 330 मीटर और दूर है यहाँ से। तो ये देखिए, अगर आप इंडिया से इस वीज़ा में लगाने के लिए फ़ोटो 4x6 सेंटीमीटर की नहीं लेके आते तो आपको यहाँ एक्सप्रेसवे में करीब 800 से 1000 रुपये की फ़ोटो क्लिक करवानी पड़ेगी, जो कि इंडिया में 30 रुपये में हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान दें, फ़ोटो अपने साथ लेके आएँ। इंडियंस ई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए लाइन, करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ फर्स्ट फ्लोर। तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक नए देश में, वेलकम टू द कंट्री नंबर 3, थाईलैंड। और एक छोटे से स्कैम के बाद हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, जो कि रसीद हमें 2000 बात की ही मिली, लेकिन चार्ज उन्होंने हमें 2200 बात किए। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल हमें फटाफट करना था तो हम एक्सप्रेस लाइन में गए, हालांकि नॉर्मल लाइन में भी कोई भीड़ नहीं थी। अगर आप चाहो तो आप नॉर्मल लाइन में भी जा सकते हो, ठीक 2 नंबर काउंटर के बगल में ही नॉर्मल लाइन थी, जो आपको मैंने 1 मिनट पहले वीडियो में दिखाया। तो आप चाहो तो नॉर्मल लाइन से जाओ, अदरवाइज़ मेरी तरह आप 2200 देके एक्सप्रेस लाइन से तुरंत 2 मिनट के अंदर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। केवल उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट मांगी, देन उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा जो कि मुझे इंडिया में मिला था। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि 2000 बात उन्होंने एक्स्ट्रा लिए ही थे, हो सकता है नॉर्मल लाइन में आपको परेशान करने के लिए आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो अभी मैं हूँ बैंकॉक के स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, थाईलैंड कंट्री में। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड वर्ल्ड की, नहीं तो शायद एशिया की तो
इकलौती ऐसी कंट्री होगी जिसके एक शहर बैंकॉक में दो बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी मैं हूँ स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और एक डीएमके शायद डोंगमांग उस एयरपोर्ट का नाम है, तो दूसरा एयरपोर्ट है डोंगमांग। इंडिया से कुछ ही फ्लाइट डोंगमांग एयरपोर्ट आती हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फ्लाइट स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आती हैं। तो अभी मैं स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से डायरेक्ट अभी मेरे को गाड़ी पिक करने आएगी जो कि पतिया के लिए, और पतिया में हम लोग 3 दिन स्टे करेंगे, देन लास्ट डे हम लोगों का स्टे बैंकॉक में होगा। और हाँ, ये एक प्री बुक ट्रैवल जर्नी है जिसका लैंड पैकेज मैंने इंडिया में ही लिया था, क्योंकि आ तो मैं एज अ सोलो ट्रैवलर रहा था और एंड मोमेंट पे मेरे भाई का मन हुआ, मेरा फ्रेंड, जिसके कारण मुझे लैंड पैकेज लेना पड़ा। तो आइए पूछते हैं उससे। तो भाई क्या एक्सपीरियंस है? परसों आपका पासपोर्ट आया और आज आप थाईलैंड, क्या बात है भाई, आ रहा है मज़ा? बहुत ज़्यादा। चलो अभी घूमते हैं और मज़ा आएगा, सब नया ही नया दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ बोलना चाहोगे? और ये 16 नंबर बेल्ट पे हम लोगों के बैगेज थे, तो ये है सिम पैकेज। तो सामने एस 5G की भी सिम मिल रही थी, लेकिन मैं सुन के आया था कि ट्रू 5G बेस्ट है, तो इसका 299 वाला पैकेज था 15 GB, लेकिन मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, उसने कहा अपन एक ही सिम में दोनों यूज़ करेंगे, तो 399 बाद में 5G हम लोगों ने लिया हुआ है। गेट नंबर 3 या 4 के पास हमें आने के लिए बोला गया है, चलिए चलते हैं। और ये सामने भीड़ दिख तो रही है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपको सस्ते में सिम लेनी है तो आप एयरपोर्ट से कभी सिम मत लीजिएगा। बाहर 7-11 में आपको ओनली 50 और 100 बात में सिम मिल जाएगी, लेकिन हमें गाड़ी वाले से कांटेक्ट करना था तभी हमने अंदर सिम ली हुई है, और शायद सामने वो हमें पिक करने भी आ गए हैं। हेलो, तो सामने था वो एयरपोर्ट गेट नंबर 3, और ये अगर आप बस में जाना चाहें तो 135 बात में पटिया के लिए डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी, और ये मेरी गाड़ी मुझे पिक करने आई हुई है। तो चलिए, मैं तो आज सुपर फास्ट फटाफट 1.5 से 2 घंटे में पटिया पहुंच जाऊंगा। करीब 200 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा, 120 किलोमीटर है पटिया यहाँ से। और ये गाड़ी, ये बैग, और ये VIP सा ट्रैवलर जिसके अंदर अभी मैं बैठूँगा। आप देख सकते हैं, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। और इसकी चार्ज मैं आपको बता दूं, नॉर्मल टैक्सी में अगर आपको बस में धक्के खाने का मन नहीं हो और अगर आप टैक्सी लेके या कैब लेके आना चाहते हो तो 1200 बात एक नॉर्मल फीस है यहाँ की। आप 1200 बात देके किसी भी टैक्सी और कैब में आ सकते हो। यहाँ ओला और उबर नहीं चलता, यहाँ ग्रैब करके चलता है, और जोमेटो स्विगी नहीं है, यहाँ फूड पांडा और ग्रह भी आपका टैक्सी भी बुक कर देगी, बाइक भी बुक कर देगी, और अगर आपको फूड भी चाहिए तो आप फूड भी ग्रैप में ही आके ले सकते हो उसी एप्लीकेशन से। एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो और आपके सब काम उसी में ही हो जाएंगे। तो इंटीरियर आप देख ही रहे होगे, ऐसा कुछ इंटीरियर है। बैटरी बहुत ज़्यादा लो है मेरी, देखता हूँ कब तक साथ देती है, नहीं तो डायरेक्ट होटल में जाके और बैटरी चार्ज करूंगा। या फोटो 1, 2, 1 लाइफ। तो आज का एक्सपीरियंस मिला जुला था, पहले फ्लाइट छूट गई दोस्त के चक्कर में, ये बैठे हुए हैं, पहले फ्लाइट छोड़नी पड़ी, फिर दूसरी फ्लाइट ली, और एयर एशिया का एक्सपीरियंस अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी इमिग्रेशन भी मैंने आपको बताया 2200 बात में ही हो गया। तो चलिए फटाफट होटल व्यू देता हूँ आपको। तो अभी बैंकॉक से पटाया जाता हुआ मैं, ड्राइवर बहुत ज़्यादा लीचा था। तो ऐसा है अपना होटल, ये शायद थाईलैंड के भगवान हैं। इंटीरियर तो अच्छा है होटल का। तो ये है अपना रूम, तो चलिए जल्दी से मैं आपको रूम टूर देता हूँ। 2 बेड्स हैं, होटल का इंटीरियर अच्छा है, और
ये कॉफ़ी टी केटली, ये लॉकर और ये रेफ्रिजरेटर, टू बॉटल्स एवरीडे कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड ये वॉशरूम। और एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती कि कमोड के ऊपर टॉवेल कौन रख के जाता है। बालकनी भी बहुत अच्छी है, चलिए आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। लेकिन व्यू अच्छा है नहीं, देख सकते हैं आप। देखिए एयर कंडीशन है रूम में तो फैन नहीं है, और स्मोक डिटेक्टर भी है।